ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे ढूंढे। तो इस टॉपिक पे ऊपर बात करेंगे हम। मैंने इस टॉपिक पे पहले ही एक वीडियो बना दिया है जो प्री ओपन मार्केट में से कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो बताया है उसमें। आज जो है क्या है कि लाइव मार्केट में से कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं उस पर बात करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हम आ चुके हैं एनएसई की साइट के ऊपर। हम इसमें से लाइव मार्केट में से स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे वो सीखेंगे। दो तरह की क्या है कि स्ट्रेटेजी आपको जो अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो भी यूज़ करो पहले आप उसको जान लो, थोड़ा टाइम उस पर स्पेंड करो, बाद में जो अच्छी लगे उस पर लो। मेन थिंग जो पहली बात है, पहली बात क्या है कि आपको पहले निफ्टी या बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी है वो अपसाइड है तो आपको अपसाइड वाले स्टॉक लेने पड़ेंगे, या तो डाउनसाइड है तो डाउनसाइड वाले लेने पड़े। आप ऐसे नहीं है कि हवा उधर चल रही है और आप उल्टी दिशा में पतंग चगा रहे हो। सिंपल सी बात है, जिस दिशा में हवा होगी उसी दिशा में से आपको पतंग उड़ाना पड़ेगा। सो इसीलिए मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है आपको उसी तरह के स्टॉक सिलेक्ट करना है। अगर आपको ऐसा कोई कन्फ्यूजन लग रहा है कि नहीं यार मार्केट अप जाना चाहिए या डाउन आ गया ये सब वगैरह कन्फ्यूजन लग रहा है, तो उस दिन आप ट्रेड ना लो। जिस दिन आपको ट्रेड मिले उस दिन लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रोज ट्रेड लेने हैं, जिस दिन आप सही लगे तब लो। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो बिगिनर के लिए, कोई एक्सपर्ट के लिए नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट को पता है कि कहाँ लेना है कहाँ सेल करना है वो सब उसको पता है, उसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो गलती होती है, सभी से गलती होती है, गलती से ही सीखने को मिलेगा। सो एक दो ट्रेड फेल भी हो जाए तो कोई घबराना नहीं है, थोड़ी थोड़े अमाउंट से प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इतना ईजी होता जाएगा। सो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो। और मेन चीज़, किसी भी स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको अच्छी लग रही है तो उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तभी आपको पता चलेगा उसकी मेंटालिटी के बारे में कि वो कैसे वर्क करता है वो सब। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कैसे ट्रेंड देखते हैं। तो ट्रेंड देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी का भी चार्ट लगा लो। मैंने 5 मिनट रखे हैं लेकिन आप भी 15 मिनट नहीं, पहले 5 मिनट लगाओ, पहले 5 मिनट देखने के लिए ना कि ट्रेड लेने के लिए। तो आज का देखते, तो मेन जो ट्रेंड था वो अपसाइड का ट्रेंड है। मतलब आज जो हम ऐसा सोचते कि मार्केट अप जाएगा, लेकिन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह भी देखने पड़ेंगे, वो सब कुछ वो बाद में डीपली आता है, लेकिन आपको एक ये स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है वो देखा था। तो मेन ट्रेंड क्या है कि अप ट्रेंड, लेकिन जो पहली कैंडल है वो रेड कलर की है। जो यहाँ एक्सपर्ट होते हैं वो क्या है कि अपनी स्ट्रेटेजी जो गैप वाली स्ट्रेटेजी है वहाँ से ये सेल करके, मतलब शॉर्ट सेल कर सकते हो। जिसको पता है वो कर सकते हैं, जिसको नहीं पता वो कुछ ना करे, पहले उसको सीख लीजिए बाद में अप्लाई करे, समझ गए। तो जो रेड कैंडल है वो क्या है कि गैप वाले, आपको ऐसा लग रहा है यार नहीं ये अप जाना चाहिए, अप ट्रेंड में ही ये क्या हो रहा है, पहली कैंडल रेड आ चुकी है ये डाउन ट्रेंड में, तो कोई बात नहीं। आपको लग रहा है कि अपसाइड जाएगा तो अपसाइड जाने का वेट करो। आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो उस पर वेट करो, ऐसा नहीं है कि जो पहली कैंडल दिखी उस पर ले लो। पहली कैंडल रेड दिखी तो रेड लेना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। आपको पहले मेन ट्रेंड फाइंड करना पड़ेगा, बाद में कुछ और ट्रेंड फाइंड करना पड़ेगा, समझ गए। तो मेन ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको अप ट्रेंड में ही जब स्ट्रेटेजी कोई आपको जो भी यूज़ कर रहे हो, जो अप ट्रेंड में स्ट्रेटेजी आपको बताएगी कि अभी बाइक का सिग्नल मिला तभी लेना है, समझ गए। तो मेन ट्रेंड चेक करो, अप ट्रेंड है, पहली कैंडल रेड आ गई, तो जो बिगनर है वो इस दिन ट्रेड ना करे, वो उसको जाने दे। और जिसको पता है ये गैप फिलिंग वगैरह सब कुछ, वो इधर से ट्रेड कर सकते हैं, वो इधर से नीचे तक आ सकते हैं, उसको पता होना चाहिए कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ से रिवर्सल लेगा वो सब कुछ, तो वो तो उसको तो पता ही है। लेकिन जो बिगनर है उसको ये सीखना पड़ेगा कैसे वर्क करता है। तो बिगनर स्टार्टिंग में जो ये पहले कैप मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड था, तो पहली कैंडल रेड कलर के आ गई, तो इधर ये ट्रेड ना ले। जब तक आपकी स्ट्रेटेजी बाय साइड का सिग्नल नहीं देती तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना। तो ये तो ट्रेंड हो गया। अभी स्टॉक सिलेक्ट, जो हमारी मेन बात है वो स्टॉक सिलेक्ट कैसे करें। तो स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए पहले आपको जाना है एनएससी की साइड। पहले ही बता दे रहा हूँ, आप पहले 15 मिनट जाने दे, जो भी हो रहा है वो देखे। पहले 15 मिनट में क्या हुआ, अप ट्रेंड था तो अप साइड गया या अप ट्रेंड था और डाउन साइड आ गया, वो सब देखे क्या हो रहा है। अगर आपको सही लग रहा नहीं है क्या है कि अप ट्रेंड है और अप में जा रहा है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, नहीं तो आपका सिग्नल आने का वेट कीजिए कि कब आपका जो स्ट्रेटेजी यूज़ करो उसकी बाय। तो पहला है कि आप इंडेक्स में से स्टॉक सिलेक्ट करें। तो एनएससी के वेबसाइट पर आ जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, एनएससी के वेबसाइट में लाइव मार्केट में जाना है। लाइव मार्केट
में जाने के बाद इंडेक्स में जाना है। इंडेक्स में जाने के बाद आपको इधर नीचे मिलेगा सेक्टोरियल इंडाइसिस, तो ये क्या है कि सब सेक्टर वाइज हो गए। तो ये अभी हाल फिलहाल क्या है कि 2 बजने का आए, तो ये अभी के बारे में मैं नहीं बता रहा, जब मॉर्निंग में क्या करना है वो बारे में बता रहा हूँ। तो वो सुनो, मैं अभी जो बता रहा हूँ वो आप इमेजिन करो कि आपको मॉर्निंग में क्या करना है, क्योंकि अभी 2 बजने को आए तो एटलीस्ट क्या है कि जो होता है उसमें चेंज हो चुका होता है। मेन बात, अगर आपको कोई ट्रेंड मिल रहा है उसी ट्रेंड में आपको सिग्नल मिल रहा है बाय या सेल का, तभी ये स्टॉक सिलेक्शन आप उसमें अप्लाई करो। चलो आपको एक ट्रेंड मिल गया, निफ्टी और बैंक निफ्टी उसी ट्रेंड में चल रहे, तो आपको आके इधर करना क्या है, मान लेते हैं वो ट्रेंड अप साइड है, तो आपको इधर देखना है कौन से सेक्टर चलने वाले हैं, मतलब उस दिन कौन सा सेक्टर चल रहा है। मान लेते हैं कि निफ्टी बैंक चल रहा है, निफ्टी FMCG चल रहा है, निफ्टी IIT चल रहा है, तो जो आपको अच्छे अच्छे लग रहे हैं उस पर अंदर जाओ और उस पर देखो कौन से स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, समझ गए। देखो इधर आ जाए थे बैंक निफ्टी, तो ये सब स्टॉक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले 15 मिनट मतलब 9:30 तो आप चलो एक मान लेते कि 9:30 तो आप एंट्री लेने वाले, तो आप 9:25 को इधर आ जाओ, 9:25 को पहले ट्रेंड देखोगे, वो सब देख लिया, 9:25 को इधर आ गए और देखो 9:25 पे कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका एक है मीनिंग के ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू हाई से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो या परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कोई ट्रेंड में और सही ट्रेंड जा रहा है तो ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो पे सिलेक्ट करो। इन सिंपल, अगर आप बाय करना चाहते हो तो जो ओपन इज इक्वल टू लो मतलब जो ओपन है वही लो वो स्टॉक सिलेक्ट करो। अगर आप सेल साइड करना चाहते हैं तो ओपन इज इक्वल टू हाई ले लो, मतलब जो ओपन प्राइस है वही हाई प्राइस होनी चाहिए 9:25 को। जो मेन चीज है, आप बिगनर हो तो भले कम ट्रेड मिले लेकिन अच्छे वाले जो कंफर्म ट्रेड है वो लो। सो उसके लिए कंफर्म स्टॉक सिलेक्शन भी चाहिए, तो ये स्टॉक सिलेक्शन है ओनली स्ट्रेटेजी के लिए, कोई प्राइस एक्शन के लिए ये स्टॉक सिलेक्शन नहीं है। जो ओनली स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चाहते हैं उसी के लिए स्टॉक सिलेक्शन है। तो समझ गए ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो। एक बार और समझा देता हूँ, मान लेते हैं ये SBI ट्रेंड अपसाइड है और क्या है कि ट्रेंड अपसाइड है और आपको पहली कैंडल भी अपसाइड की मिली। मान लेते हैं ऐसा, मैं ऐसा कोई बता नहीं रहा हूँ कि इसमें आज ऐसा हुआ, क्योंकि आज मेरे को पता है आज किसी में भी नहीं हुआ है। हाँ एक दो स्टॉक है लेकिन उसमें भी इतना कुछ अच्छा हुआ नहीं है, तो उस ये जो बिगनर के लिए ऐसे दिन नहीं होते, समझ गए। आपको जिस दिन मिले उसी दिन लेना है, तो आपको क्या करना है कि आपको देखो आपको इधर आना है, आपको मिला के चलो SBI में ऐसा मिला कि ओपन इज इक्वल टू लो, मतलब जो इसका ओपन था वही उसका लो है और ट्रेंड भी अपसाइड है, पहली 10 मिनट में भी अपसाइड दिखा रहा है, तो SBI अपने वॉच लिस्ट में डाल दो। जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करें उस पर कोई सिग्नल मिल जाए तब आपको उसको बाय करना है। और सेल साइड के लिए क्या चाहिए, ओपन इज इक्वल टू हाई, मतलब अगर मान लेते कि ट्रेंड आपका पूरा क्या है कि नीचे की साइड का है, मतलब डाउन ट्रेंड है, उसमें पहली 2 कैंडल मतलब 5-5 मिनट की गिन रहा हूँ, 9:25 तक गिन रहा हूँ कि 5-5 मिनट की 2 कैंडल रेड मिली, तो आपको क्या करना है, लाइव मार्केट में आना है, इंडेक्स में जाना है, जो क्या है कि डाउन वाले सेक्टर है उसको चूज करना है। उस सेक्टर में देखना है आपको कि ओपन इज इक्वल टू हाई जो भी स्टॉक हो, मान लेते कि ये, तो ये ओपन इज इक्वल टू हाई ये दोनों सेम हो उसे स्टॉक सिलेक्ट करने, उसको वॉच लिस्ट में डालना है, और जब भी आपको कोई स्ट्रेटेजी में सिग्नल मिले कि इधर से सेल करना है तो आपको वो स्टॉक शॉर्ट करना है, समझ गए। तो ये सिंपल स्टॉक सिलेक्शन है, आप इससे बहुत अच्छी तरह से वर्क कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है डिसिप्लिन। बहुत कम ट्रेड मिलेंगे लेकिन अच्छे मिलेंगे। जहां आप कंफ्यूज हो वहां मत लो, जहां आपको कॉन्फिडेंस हो वहां लो। अब चलते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी की ओर। जो मेन बात है आपको ट्रेंड फाइंड करना, वो सब सेम रहेगा। पहले ट्रेंड फाइंड करो, 9:25 तक देखो कौन सा ट्रेंड है, उसी ट्रेंड में वो है तो स्टॉक ऐसे सिलेक्ट करने, मतलब अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड वाले सिलेक्ट करने, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड वाले सिलेक्ट करने। आगे का पार्ट सेम रहेगा, जो ट्रेंड वाला पार्ट है वो सेम रहेगा। वो जब ट्रेंड फाइंड हो जाए तो बाद में आपको क्या करना है, NSE की वेबसाइट पे लाइव मार्केट में आना है। लाइव मार्केट में आपको जाना है इक्विटी स्टॉक में। तो इस पर आ जाने के बाद आपको पहले करना क्या है, पहले तो आप निफ्टी 50 से स्टार्ट करो। बाद में इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे है, बाद में क्या है कि मिड कैप स्मॉल कैप उसको आप साइड में रखो। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाओ तो वैसे बाद में आप FNO स्टॉक को ऐड कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप निफ्टी 50 से स्टार्ट करो। चलो निफ्टी 50 लगा दो तो निफ्टी 50 में जितने स्टॉक होंगे वो सब आ जाएंगे। बाद में इसमें करना क्या है, तो आपको पहले इसमें करना क्या है कि अगर आप 9:30 को ट्रेड ले रहे हो तो आपको 9:30 से पहले जो भी आपकी वॉच लिस्ट है वो तैयार हो जानी चाहिए, वो मेन बात है।
तो पहले क्या है कि 9:30 से पहले आप अपनी वॉच लिस्ट तैयार कर लो। तो उसके लिए करना क्या होगा, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, 9:25 पे आना है, इस पर देखना है क्या हो रहा है, कौन सा ट्रेंड है, वो सब आपने फाइंड कर लिया। चलो आज का ट्रेंड अपसाइड ट्रेंड है, मान लेते हैं मतलब मेन ट्रेंड अप है, जो पहला 10 मिनट का ट्रेंड है वो भी अप है, तो आपको इधर आके क्या करना है, तो पहले आपको देखना है कि वो पिछले 1 ईयर का ट्रेंड, मतलब पिछले 1 ईयर में ये पॉजिटिव होना चाहिए, बाद में पिछले 1 महीने में भी ये पॉजिटिव होना चाहिए, और आज के दिन ही भी ये पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स के तीनों टाइम फ्रेम में, मतलब 1 डे, 1 मंथ और 1 ईयर, ये तीनों टाइम फ्रेम में आपको पॉजिटिव होना चाहिए अगर ये अपसाइड में ट्रेंड में है। तो अगर नेगेटिव ट्रेंड में है तो तीनों टाइम फ्रेम में आपको नेगेटिव चाहिए, मतलब 1 ईयर में नेगेटिव, 1 मंथ में नेगेटिव, आज के दिन भी नेगेटिव। तो पहले देख लेते कि आज क्या है कि अप ट्रेंड है, तो आप क्या करेंगे, जो तीनों टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में होगा वो सिलेक्ट करना है। तो मान लेते हैं तीनों टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड कौन सा है, तो ये पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, तीसरा कौन है, SBI, तो आप SBI को ऐड कर लोगे। बाद में नीचे जाना है कि बाद में कौन सा है, तो ये कौन सा है, ये TCS को ऐड कर लो। बाद में कौन सा है, ये भारतीय एयरटेल को ऐड कर लो। और ये सब वॉच लिस्ट है, ऐसा नहीं है कि ये सब जितने ऐड किए उस पर आपको ट्रेड लेने, ये वॉच लिस्ट है जिसमें आपको सिग्नल मिले उसमें ट्रेड लेने, मेन बात है। ऐसा नहीं है कि वो जिसने आपने ऐड किए वो सब में ट्रेड ले लो, नहीं, जो आपको सही लग रहा है उसमें ट्रेड लेना। तो इन सिंपल इधर इस स्ट्रेटेजी में क्या है कि जो तीनों टाइम फ्रेम पे अप या डाउन है उस पर ट्रेड करना है। मान लेते हैं कि ये डाउन साइड होता है तो क्या करना है, एक चेंज परसेंटेज कैन के ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो सब रेड वाले आ जाएंगे। तो इसमें क्या करना, जो तीनों टाइम फ्रेम में रेड में, तो कौन सा है, इंफ्राटेल है, तो इसमें देखो आज भी रेड है, पिछले या 1 ईयर में रेड है, पिछले 1 मंथ में रेड है, इसको ऐड कर लो। बाद में दूसरा है कि UPL भी है, उसको भी ऐड कर सकते हो। बाद में आपको देखना पड़ेगा, जो आपको सही लग रहा है तीनों टाइम फ्रेम में रेड में है उसको ऐड कर लो। तो ऐसा अभी तक 2 ही मिले, बाद में नीचे जाओगे तो और भी मिलेंगे, लेकिन आज अप ट्रेंड का दिन है इसलिए वो इतने कम मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यारो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। अगर आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें हौसला मिलेगा और हम ऐसे वीडियो और आगे लेके आएंगे। सो प्लीज़ यारो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड बाय, जय हिंद।